हरियाणा के अंदर जिस तरह से हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है 2009 और 2010 के में बना था, और 2017 में हमारी सरकार ने हरियाणा की जितनी भी फायर सर्विसेज है किसी भी विभाग के अंडर हमें आती हैं, चाहे वो मार्केटिंग एरिया की हो, HSIDC की हो, HSVP की हो या म्यूनिसिपल एरिया, इन सभी की जो इंटीग्रेट करते हुए एक डायरेक्टरेट की स्थापना की और स्ट्रेंथन करने के लिए अग्निशमन की जो सेवाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो आग के हादसे हो रहे हैं और सूरत में जिस तरह से जो कांड हुआ था उसके बाद जिस तरह निर्दोष बच्चों की जो जाने गई, सो ये बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा के अंदर हमारी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, आइदर पुलिस हो, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सो ये भी सेवा इन्हीं एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, और इसका पूरी तरह से एसेंशियल के साथ साथ इसको अपडेट होना, इमीडिएट होना और इसकी फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव हो, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और इसी के मद्देनज़र आज पूरे हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों से ऑफिसर्स बुलाए गए हैं और ये चर्चा की गई है विस्तार से, और निसंदेह इस ये चर्चा जो हमारी बहुत फ्रूटफुल रही। और आज हरियाणा के अंदर जो हमारा 86 के करीब हमारे फायर स्टेशन है, और इसके अंदर हमारे जो कर्मचारी हैं 542 के करीब हमारे पक्के कर्मचारी हैं, और 1000 से भी ज़्यादा जो कर्मचारी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं, और कुछ जो भर्तियां हैं हमने SS बोर्ड के अंदर भेजी हुई हैं ताकि जो अधिकारियों की कमी या कर्मचारियों की कमी उसको दूर किया जा सके, और उसके साथ साथ इस सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड करने के साथ साथ कि जो फायर की जो सूचना है, कि अग्नि की जो सूचना जहां पर भी आग लगे वो इमीडिएट कैसे हमारे हेड ऑफिस के ऊपर भी पहुंचे, ताकि ना केवल आसपास के एरिया की जो फायर की गाड़ी है वहां तक पहुंचाई जा सके, बल्कि जो दूसरे स्टेशन है, सपोज़ अगर कहीं सोनीपत में आग लगती है तो इमीडिएट अलर्ट पानीपत वाली भी हो जाए और आसपास के फायर स्टेशन वाली भी हो जाए। इस तरह का सिस्टम हम लोग डेवलप करें, आग किस नेचर की है उसको कैसे जल्दी बुझाया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा, इस बात का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो या पुलिस के साथ जो संबंध है वो किस तरह के होने चाहिए, ताकि फायर की गाड़ी पहुंचने से पहले कुछ पुलिस वहां पर पहुंच जाए, और उसके साथ साथ जो भी खामियां हैं उन सब से भी जिले अनुसार अधिकारियों से चर्चा ली गई है, और एक कमेटी भी हम लोगों ने बनाई है, 4 सदस्य हमने इसमें फील्ड से लिया और एक हेड ऑफिस से लिया है, ताकि फायर डिपार्टमेंट को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम लोग, और ताकि हरियाणा के अंदर हम बेटर सर्विसेज दे सकें। और इसके साथ साथ इस तरह के भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जान और माल दोनों का नुकसान होता है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस तरह का एक रोस्टर बना जाए, कैलेंडर बनाया जाए, और 15 दिन के अंदर एक हिदायत दी गई है कि जिले अनुसार 15 से 20 दिन के अंदर एक जो मॉक ड्रिल है वो एक जिले के अंदर जरूर हो, ताकि साल के अंदर हमारे सारे के सारे 22 जिले कवर हो जाएं, ताकि जनता इससे अवेयर हो सके। और इसी तरह से जो स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इसका रोस्टर बनाया जाए, खुले के अंदर, भीड़ वाले इलाके के अंदर किस तरह से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हिदायतें दी गई हैं, जिस तरह की भी बिल्डिंग्स हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं और जहाँ पर मासिस के अंदर लोग आते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, सिनेमा हॉल्स हों या अदर एरियाज हों, मार्केट्स हों, कि कोई भी NOC या जिस तरह से या रिन्यूअल है तो नियमों को ताक पर रखकर नहीं दी जाएगी। सो इस तरह की जो बातें हम लोगों ने की है, और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि आज की जो मीटिंग है हमारी कारगर रही, और भविष्य के अंदर हमारा जो डायरेक्टरेट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और हम एक और आप देखेंगे भी जब सभी फायर ऑफिसर्स अपने यूनिफॉर्म में आए हुए थे, तो यूनिफॉर्म का मतलब ही एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के साथ साथ इसमें सेफ्टी इवेंट भी आता है जो पब्लिक को करना है, कि जिले अनुसार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से भी लिए गए हैं, और एक कमेटी भी बनाई गई है, और उसके अंदर सभी मुद्दों पर जो जो खामियाँ हैं उन सबको दूर करने का पूरा काम किया जाएगा। और विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है, अलग से हम लोगों के पास तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपए का बजट हमारे पास इसी सर्विसेज के लिए है, और जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट दूर नहीं है। और इस कमेटी के अंदर जो भी सुझाव आएंगे भविष्य के अंदर और क्या हम लोगों को स्ट्रेंथन करना है, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। जो वर्तमान के अंदर हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को में GPS इंस्टॉल करने के हमने आदेश दिए हैं, क्योंकि ताकि कई बार क्या होता है कि ड्राइवर्स को कहां पर आग लगी है उसके रास्ते नहीं पता होते,
सो हम लोग एक टाइमलाइन भी इनको बाउंड किया है, इन सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन की जाए, ट्रेनिंग की जाए, समय समय पे इंस्पेक्शन की जाए। सो इस तरह की सभी जो निर्देश हैं इन लोगों को दिए गए।